हेलो एवरीवन, इन द सेमेस्टर नंबर 8 द रिफर इलेक्टिव सब्जेक्ट इज दैट फ्रॉम योर ऑल दिस सब्जेक्ट्स द रिफर्ड सब्जेक्ट इज इलेक्टिव सब्जेक्ट नंबर 1 इज सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशन। सो बेसिकली इट सब्जेक्ट कोड इज 2180508। सो आपके जो 3 इलेक्टिव्स है उसमें से ये जो सब्जेक्ट है दैट इज़ योर टू स्टडी। सो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अंदर हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, लाइक सिलेबस, टीचिंग स्कीम, प्रैक्टिकल सेशंस एंड लेक्चर आवर्स। ओके, और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, कौन से बुक रिफ़र करने हैं। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि SFO, ओके, सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशंस है, तो उसे हम डिटेल्ड में इसका जो सिलेबस है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशंस, तो सब्जेक्ट के नेम पर से ही हमें पता चलता है कि पहला जो पॉइंट है, वर्ड्स है, वो है सॉलिड। ओके, तो सॉलिड होता है तो इसके अंदर क्या होता है, मास ट्रांसफ़र होते हैं। मास ट्रांसफ़र सॉलिड का हमें क्या करना है, दैट मीन सॉलिड है तो हमें मास ट्रांसफ़र का एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। देन आफ्टर फ्लूइड है, तो फ्लूइड है तो फ्लूइड का मतलब है कि FFO, दैट मीन्स फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन की बात होगी, और जो ऑपरेशंस है दैट मीन मैकेनिकल ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 सब्जेक्ट दैट विल बी दैट इज़ ऑलरेडी यू लर्न इन प्रीवियस सेमेस्टर्स, और लाइक दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, लाइक फर्स्ट मैकेनिकल ऑपरेशन, तो जो MO है मैकेनिकल ऑपरेशन। सो ये जो सब्जेक्ट है वो आपने सेमेस्टर नंबर 5 में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लर्न कर लिया है। देन अदर थिंग इज दैट फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, दूसरा जो है वो है FFO यानी फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, तो ये सब्जेक्ट भी आपने सेमेस्टर नंबर 4 में लर्न किया है। और जो अदर पार्ट रहता है वो है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, तो दैट इज़ ऑल्सो यू लर्न इन सेमेस्टर 4 एंड 5। ओके, मास ट्रांसफ़र पूरा ऑपरेशन, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट रहने वाला है इट इज़ वेरी इजी बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न, आपका जो इसका बेसिक है जैसे कि फ्लूइड FFO है या तो फिर मास ट्रांसफ़र है और या फिर मैकेनिकल ऑपरेशंस है, तो इसका बेसिक्स आपको पता है। ओके, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ऑलरेडी आपने पढ़ लिए। तो द वन मोर बिग क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो व्हाई वी सिलेक्टिंग दिस फॉर इलेक्टिव फॉर सेमेस्टर 8, बिकॉज द सेमेस्टर नंबर 8 के अंदर जो ये इलेक्टिव है इट इज़ द लिटल बिट डिफरेंट और द अनोथर एडवांस स्टेज, जैसे कि इसके अंदर तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो और दूसरी बात है कि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डिटेल्ड, जो इसका सिलेबस है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से चैप्टर के अंदर इसका वेटेज परसेंटेज कितना है और किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का टीचिंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम इस तरह से है कि ये जो लेक्चर्स हैं इसके अंदर वीकली 3 लेक्चर्स हैं और 2 ट्यूटोरियल्स हैं। ओके, तो 3 लेक्चर प्लस 2 ट्यूटोरियल्स, इसे मिला कि ये जो पूरा सब्जेक्ट हो जाता है वो है 5, मतलब इस सब्जेक्ट की जो क्रेडिट रहती है वो रहेगी 5। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इस सब्जेक्ट का 5 क्रेडिट है, बट ये जो सब्जेक्ट है पूरा एकदम इजी रहेगा। इसके अंदर एज इट इज़ कि
इसका 70 मार्क्स का जीटीयू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन मिड सेमेस्टर रहेगा, और देन इसका प्रैक्टिकल सेशन भी रहेगा। ठीक है, सो लेट अस सी द कंटेंट। फर्स्ट ये जो रहेगा हमारा टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशन। सो सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशंस, और इन जो सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशंस है, जैसे कि मैंने बोला इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। तो ये तीनों का हम सॉलिड फ्लूइड ऑपरेशंस के अंदर वेरियस परसेंटेज के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। देन आफ्टर वी देखेंगे कि कैरेक्टराइजेशंस एंड क्लासिफिकेशंस। सेकंड थिंग रहेगा हमारा, मतलब सेकंड चैप्टर रहेगा वो होगा मिक्सिंग एंड एजिटेशंस। तो मिक्सिंग और एजिटेशंस के अंदर, तो पहले तो ये रहेगा मिक्सिंग कैसे होता है, मिक्सिंग क्या है, विच टाइप्स ऑफ मिक्सिंग एलिमेंट्स इक्विपमेंट्स। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे मिक्सिंग, फिर देखेंगे एजिटेशंस। तो आपको पता, हमें पता है कि मिक्सिंग और एजिटेशंस इट बोथ आर वर्ड्स आर डिफरेंट। ओके, देन वी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजिटेटर्स एंड देयर सेलेक्शन क्राइटेरिया। जो एजिटेटर है विच इज़ आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैडल्स सैडल्स। ओके, तो वो भी हम देखेंगे। और द नेक्स्ट और एडवांस इज दैट द पावर कंजप्शन, हम देखेंगे इसके अंदर कि पावर कंजप्शन किस प्रकार से होता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फॉर द एजिटेशन। नेक्स्ट रहेगा स्केलअप फॉर द एजिटेशन वेसल और स्टेटिक मिक्सर, व्हाट आर द स्टेटिक मिक्सर एंड डायनेमिक मिक्सर, फिर इंटेंसिव मिक्सर्स, हीटिंग एंड कूलिंग मिक्सर्स। मिक्सिंग को हम कूलिंग और हीटिंग पर्पस के लिए भी देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, और हाँ ये चैप्टर का जो कंटेंट है वो approximate that is in 14% of weightage, इसका वेटेज रहेगा 14%। फिर आएगा फ्लूडाइजेशन, तो फ्लूडाइजेशन हमने पढ़ा था ये चैप्टर इन द FFO फ्लूड फ्लो ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लूड फ्लो इन पोरस सॉलिड बेड्स। अगर हमारा पोरस सॉलिड बेड है, पोरस सॉलिड मतलब कोई छिद्राड़ो कि जे जेना अंदर हॉल छे, એ બહુ એવું પોરસ મટીરિયલ હોય અને એ પણ સોલિડ હોય, તો એવા મટીરિયલનું આપણે ફ્લુઇડાઇઝેશન્સ આપણે ચેક કરીશું, અને તેના અંદર આપણે શું જોઈશું કે એન ફ્લુઇડનો ફ્લો, જે આપણે નવું ડિસ્કસ કરવાના છે કમ્પેર ટુ ધ FFO ઇન ધ સેમેસ્ટર નંબર 4। ધેન વી આર ચેકિંગ ફોર ધ કન્ડિશન ઓફ ફ્લુઇડાઇઝેશન। ફ્લુઇડાઇઝેશન કમ્પ્લીટ હોને કે લિયે ધ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ઓર જો ભી બેઝિક प्रिंसिपल्स है, ओके, प्रेशर है, फिर वेलोसिटी है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन, बबलिंग बबल कप है या तो बबल है या तो फिर सिंपल है, फिक्स बेड फ्लूइडाइजेशन है, मूविंग बेड है, तो ये कौन सा फ्लूइडाइजेशन है वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट इज दैट एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइजेशन। फ्लूडाइजेशंस की वेरियस एप्लीकेशन को हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा बेस्ड ऑन दी कन्वेयर्स। ओके, तो इसके अंदर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं, स्लरी ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोलिक एंड फ्न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट और कन्वेयर्स, जो कि हमने मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर इसको हमने पढ़ा था, ये जो पार्ट है उसके अंदर से मैकेनिकल और कन्वेयर को हमने पढ़ा था। जो स्लरी, हाइड्रोलिक और फ्न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट पार्ट है उसे हम इस सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे।
देन नेक्स्ट रहेगा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये जो फिल्ट्रेशन है और सेडिमेंटेशन है, ये चैप्टर, दो चैप्टर हमने पढ़े थे मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर। वहाँ पे हम फिल्टर देखेंगे, फिल्ट्रेशन, वेरियस फिल्ट्रेड इक्विपमेंट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कांस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन क्या है और कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, और इट इज़ वन ऑफ देम टाइप इज केक फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर, ओके, रोटरी ड्रम फिल्टर। तो ये सब रहेंगे फिल्ट्रेशन के अलग अलग टाइप। नाउ नेक्स्ट में होगा सेल एंड लीफ फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर, सेंट्रिफ्यूगल फिल्टर, फिल्टर मीडिया क्या है, फिल्टर एड्स क्या है, क्लेरिफाइंग फिल्टर क्या है, ग्रेविटी क्लासिफायर क्या है, सिंक एंड फ्लोट मेथड क्या है, क्लेरिफाइड क्या है एंड थिकनर्स क्या है। देन आफ्टर वी डिस्कस बैच सेडिमेंटेशंस, रेट ऑफ सेडिमेंटेशंस, थिकनर्स, फिर साइक्लोन्स सेपरेटर है, हाइड्रोसाइक्लोन्स है, सेंट्रीफ्यूजिस है। सो ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कसिंग और लर्नड इन प्रीवियस मैकेनिकल ऑपरेशंस सब्जेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट ये रहेगा सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफर। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेडिमेंटेशन को। सो बेसिकली इसके अंदर रहेगा लीचिंग प्रोसेस क्या है। लीचिंग प्रोसेस इट मीन्स लिक्विड के अंदर से सॉलिड को क्या करना है, पहले इसको सेटल डाउन करेंगे सेडिमेंटेशंस, और उसके बाद हम सॉलिड को, जो सॉलिड मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम द लिक्विड्स के अंदर से। और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, इट इज़ अ मास ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो उसके अंदर से हम लिक्विड को कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे, और जो इसका सॉलिड पार्ट रहेगा उसे हम रिमूव करेंगे। और जो अदर टॉपिक है वो है न्यूक्लिएशन है, और अदर है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स एंड ड्राइंग ऑपरेशन, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। सो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रायर आल्सो वी डिस्कस, लाइक ट्रे ड्रायर, फिर टावर ड्रायर, फिर फ्लैट एंड फ्रेम ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग की इक्विपमेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 7th नंबर का चैप्टर रहेगा ये भी 15%, वेटेज कंसिडर करता है। तो इसके अंदर भी सॉलिड फ्लूइड रिएक्टर, तो रिएक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर क्या है, मूविंग बेड रिएक्टर, स्लरी बेड रिएक्टर एंड फिक्स्ड बेड रिएक्टर। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्टर, फ्लूडाइज्ड रिएक्टर, ओके, और वी कैन से दैट इट इज़ अ सॉलिड फ्लूइड रिएक्टर्स। सो फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर है वो हम देखेंगे इन द चैप्टर नंबर फ्लूडाइजेशन जो है 3 उसके साथ। फिर क्रिस्टलाइजेशन हम देखेंगे इन द चैप्टर ऑफ 6, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट इज दैट इसके लिए हम कौन सा बुक रिफर करेंगे। सो द टेक्स्ट बुक इज रिफर्ड इज ट्रेबल, ओके, मास ट्रांसफर ऑपरेशन का ट्रेबल यूज करेंगे फॉर द मास ट्रांसफर ऑपरेशन एंड फॉर द जो हैंडबुक है केमिकल इंजीनियरिंग का वो भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और जो यूनिट ऑपरेशन है केमिकल इंजीनियरिंग का, मैकाबे स्मिथ, वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और रिमेनिंग पार्ट के लिए हम जो लोकल बुक है के गवाने, यूनिट ऑपरेशन 1 एंड 2, उसे भी यूज़ कर सकते हैं।
एंड ट्यूटोरियल सेक्शन है, तो उसके अंदर आपको जो भी ऑल दी जो एग्जांपल है उसे हम डिस्कस करेंगे, और ये हो गया पूरा सिलेबस कंटेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एज अ बेसिक्स और द इंट्रोडक्शन पार्ट।